नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज़। भोपाल की शाहजहानाबाद में रहने वाली विभा ठाकुर ने अपना नाम परिवर्तन कर कायनात रख लिया और मुस्लिम धर्म को अपनाया। फिर उनकी शादी ओवेस खान के साथ हो गई और वह अपने पति के साथ दुबई में रहने लगी। दरअसल उनकी मां उषा किरण ठाकुर ने उनके पति से अलग होने के बाद इस्लामिक धर्म में दूसरा विवाह किया था और विवाह कायनात बन गई। जब कोरोना काल में कायनात भोपाल आई तो उनके पति ओवेस खान उन्हें दुबई वापस ले जाने में आनाकानी करने लगे। अपनी माँ की मृत्यु के बाद जब कायनात खुद दुबई पहुँची तो उन्हें उनके पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला, जो कि ओवेस खान ने अपने परिवार की सहमति से की थी। कायनात ने इसके खिलाफ कंप्लेन की तो पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कायनात अपनी बेटियों के साथ दुबई पहुंच गई। उसके बाद से कायनात के पति उन्हें और उनकी बेटियों को कई तरीकों से लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और कुछ दिनों बाद अपनी दूसरी पत्नी के साथ फरार हैं। अब कायनात दुबई से भारत वापस आने के लिए भटक रही हैं। इसके लिए पीड़िता के भाई देवेंद्र सिंह ने विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है। क्या हुआ है मामला जो आज आप खाने को? मैं इस वजह से पहुंची हूँ कि मेरी शादी को हो गए 20 साल और मेरी 4 बेटियाँ हैं और मैं पहले मेरी मदर ने पहले हिंदू थी पहले मेरी मदर और फिर उन्होंने फिर दूसरी मुसलमान से शादी करी तो मैं उनकी अपनी मदर के साथ ही थी और ये सब कुछ बता के मतलब मेरे घर वालों ने एक एक बात बता के शादी करी थी मेरे ससुराल वालों को। पर शादी के बाद बस इसी बात पे मुझे टॉर्चर किया जाता था हिंदू मुसलमान के चक्कर में और फिर बस मैं बर्दाश्त करती रही अपनी माँ बाप की इज्जत के खातिर सबके खातिर। पर अब यहाँ तक ये हो गया कि मेरे हस्बैंड मुझे मुझसे छुपा के दूसरी शादी लीगल उन्होंने दूसरी शादी करी छुपा के और मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। फिर हम लोगों से कांटेक्ट उनके ख़त्म हो गए तो उस चक्कर में मैं अपने जो मेरे पास थोड़ा बहुत भूल था मैं अपने हस्बैंड के पास दुबई गई। फिर वहाँ पे लड़ाई देख मैंने अपनी आंखों से दूसरी लड़की को देखा, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हम लोगों के, मेरे हस्बैंड 2 बच्चियों को छोड़ के मस्जिद में अकेले और है ना वहाँ से दुबई से हमें बिना बताए भाग कर आ गए तो उनके पीछे फिर मैं यहाँ पर आई। यहाँ से फिर वो दुबई भाग गए मैं और यहाँ पे मैं आई हूँ। जब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ तो उन्होंने ताला डाल के रखा है, हम लोगों को इंटर नहीं होने देना है। 2 दिन से मैं अपने बच्चियों के साथ बीमार बच्ची है मेरी, 5 साल की किडनी पेशेंट है उसके साथ मैं परेशान हो रही हूँ इधर उधर, मुझे घर में नहीं घुसने जाने दिया जा रहा है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद उमेश खान है। ये सब मैं मतलब मेरे ससुराल वाले मिलके और वो औरत जो दूसरी औरत है जिसका नाम शिबा गुलाम हसनैन है वो अपने उसका भाई एडवोकेट है, उस एडवोकेट से मेरी बात हुई तो वो मुझे अपनी वकील होने की धमकी देता है कि है ना मैं वकील हूँ मैं देख लूँगा। उसके बाद उसका एक जो भाई है जो गुंडा है इजू करके उसका नाम है तो उसकी मुझे मेरे हस्बैंड धमकी दे रहे हैं कि वो लोग मतलब कि वो वकील है उसने अपने भाई को जब फरार करवा दिया तो मुझे भी फरार करवा देगा और मैं तुम लोगों को जान से मरवा दूंगा। मैं अलकायदा ज्वाइन करके तुम अलकायदा से मेरे कॉन्टेक्ट है, मैं तुम लोगों को तुम्हारे भाई भाई बहनों को सबको खत्म करवा दूंगा।